नमस्कार दोस्तों, संवर्धन मदरसन के शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 2.25% के क्लियर आपको तेजी नजर आ रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक में तेजी का मोमेंट भी बना हुआ है। अब सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी तेजी आएगा या गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। दोस्तों नोटिस करते तो संवर्धन मदरसन शेयर स्टॉक अप एग्जैक्ट लेके हायर है बनाकर स्टॉक यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है और अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉक में 209 रुपये के रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है 171 रुपये में, राइट। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी समय से जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेड कर रहा है और जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में डेफिनेटली तेजी का मूवमेंट बनेगा। एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर था 200 का, इसको ब्रेकआउट किया और एक सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 182.50 रुपये के पास में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक क्लियरली एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे टारगेट की, कि टारगेट हम यहाँ से डिसाइड करेंगे लेकिन यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं, तो पहले टारगेट 212 का ऑलमोस्ट आप मानेंगे इसका हिट हो चुका है और दूसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 231 में रहेगा। ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा ध्यान रखना, उसके बाद 250 का और नेक्स्ट रहेगा 261 में। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। इस वीडियो को एक लाइक करें, धन्यवाद दोस्तों।